सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। मैं पार्षद मनोज कुमार सिंह, वार्ड नंबर 77 रामापुरा। तो जो सर आप चुनाव हुआ था उसमें क्या आपने निर्दल प्रत्याशी के रूप में अपना जो है पर्चा दाखिल किया था? जी। और पर्चा दाखिल करने के बाद जो है आप चुनाव जीत भी गए? जी हाँ, जीते। तो जीतने के बाद सर आपने जो है जनता के लिए अभी तक आपने क्या क्या किया उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं। देखिए, जिस समय मैं पार्षद वार्ड नंबर 77 का चयनित हुआ जी, उस समय हमारे वार्ड में अगर करीब 20 वर्षों से कोई कार्य नहीं हो रहा था जी। और मैं जैसे वितरण अपने वार्ड में घूमता रहता था तो मुझे लगता था कि इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए। तो मेरे मन में ख्याल आया कि यार हमको चुनाव लड़ना है और समाज के लिए कुछ करना है और अपने वार्ड के लोगों के लिए करना है। तो जब से मैंने पार्षद बना तो मैंने काफ़ी उसमें काम करवाया। जैसे आप मान के चलिए मैंने अब तक 68 सिविल लाइन चेंज करवाई, जिसकी वजह से ओवरफ्लो की समस्या होती थी। बार बार जो है ओवरफ्लो होता था, लोग परेशान होते थे, 15-15, 20-20 दिन में सिविल लाइन साफ नहीं होती थी। उसके लिए मैंने क्या किया कि लड़कों की व्यवस्था की, कुछ नगर निगम की व्यवस्था की, कुछ अपने तरफ से मैंने लड़कों को रखकर अपॉइंटमेंट किया। तो जो सीवर लाइन 20 दिन में साफ होती थी, आज वो 24 घंटे में सीवर लाइन साफ हो जाती है। मुझे आपके चैनल के माध्यम से बोलने में बड़ा खुशी प्रतीत होता है कि जब मेरे पास फ़ोन आता था कि भैया आज 15 दिन से हमारी जो है लाइन नहीं साफ हुई है, आज लोग बोलते हैं भाई 24 घंटे में आपके रिजन में जो है लाइन साफ हो जाती है। उदई चौकी की गली का निर्माण मैंने करवाया, जो 28 वर्षों बाद निर्माण हुआ। दशा सुमेध थाने के सामने की पत्थर गली एक एरिया पड़ती है, 28 वर्षों बाद उसका निर्माण हुआ। 70 लाख की रोड का निर्माण हो रहा है इस समय जो है हमारा जो सनातन धर्म के सामने का हो रहा है। उसके बाद रामापुरा के मध्य एरिया जो हमारा पड़ता है वहाँ पे मैंने पूरा जो है अभी रिसेटिंग वर्क करवाया। नई बस्ती में 24 लाख रुपए की मेरी गलियाँ बनाई, नया ट्यूबवेल वहाँ पे लगवाया। अभी कम से कम 1,70,00,000 का मेरे पास और प्रोजेक्ट जो है पास होकर पड़ा हुआ, जो आगामी चुनाव के बाद जो है मैं अपने क्षेत्र में और करवाऊँगा। हाँ, एक आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूँगा, थोड़ा पानी की एक हमारे क्षेत्र में समस्या है, वो मेरे क्षेत्र में ही नहीं लगभग पूरे बनास में समस्या बनी पड़ी हुई है, जिसके लिए मैं बड़ा प्रयासरत हूँ। जिसमें मैंने 500 मीटर की लाइन का प्रस्ताव किया है नई बस्ती के लिए, अब 500 मीटर का प्रस्ताव दिया है आपके रामापुरा वार्ड के लिए। अगर ये दोनों काम अगर मेरी बात अगर आपके चैनल के माध्यम से आला अधिकारी हो या नेताओं के पास पहुँच रही है, तो ये अगर काम मेरा हो जाएगा तो हमारा वार्ड एकदम सुखमय हो जाएगा, सूखे पेयजल मिलेगा, गलियाँ सीवर सड़क। दूसरा सवाल सर हमारा ये है कि ऑलरेडी पहले से आप एक बिजनेसमैन थे, आपके मन में ये विचार कैसे आया कि क्यों ना जन समाज की सेवा की जाए, जनता की सेवा की जाए? ऐसा क्या आपको महसूस हुआ कि जो आप जो है चुनाव में उतर गए, उसके बारे में हमको बताएं। ये प्रेरणा मैंने अपने पिताजी से ली है जी। पिताजी भी हमारे एक समाज एक अधिकारी रहे हैं, अधिकारी रहते रहते उन्होंने समाज की भी बहुत सेवा की। तो एक ही तरह देखते देखते व्यापार तो था ही, घर के सबसे बड़े हैं, थोड़ा दायित्व का निर्वाह करना पड़ता था, लेकिन आपसी घर में सहयोग से, भाइयों के प्रेम से, एक बार जो है मंदिर में मैं दर्शन करने गया था, हमारे छोटे भाई ने शीतला जी का मंदिर का निर्माण करवाया बोले पुरुषोत्तम भगवान का, तो मैं माँ के पास गया तो मैं अर्चना कर रहा था। तब तक मेरे मन में एक प्रेरणा आई कि आपको जो है राजनीति करना चाहिए। तो व्यापार कर रहा था, व्यापार करते करते पिताजी से मैंने अपने जाके बोला कि पापा व्यापार नहीं करना, समाज की तरफ अपना रुख बनाऊंगा। हालांकि थोड़ा विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में भाई माता पिता सब लोग सहयोग में हो गए और उसका परिणाम हुआ कि आज पार्षद के रूप में आपके सामने बैठा हूँ। तो आपको समाज सेवा करने में कुछ अंदरूनी जो है संतुष्टि मिलती है कि आपका जो सोचना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समाज की सेवा करें, ये मतलब एक अंदर से मन आपका बोलता है कि मतलब ऐसे ही आप जो है एक शौक आपको है कि आप इस तरीके का जो है कार्य कर रहे हैं? मुझे शौक तो है ही है, लेकिन मुझे इस कार्य को करना है, ये मेरे अंदर की प्रेरणा है। और मैं जितना काम करता हूँ, जितना लोगों की मदद करता हूँ, आज महाबाबा विश्वनाथ ने मुझे इस काबिल बना के रखा है कि आज जो भी हूँ उनकी वजह से, आज उनके प्रेरणा से ही अगर हमारे हाथ से किसी का भला हो जाता है तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। तो ये मेरे पास आता है, दुखी आता है कि भैया आपको ये काम करना है, तो मैं पूरा सहयोग करता हूँ और आगे भी आजीवन में इसी तरह करता रहूँगा। अच्छा सर, ये बताइए जो अभी हाल में एक घटना हुई है, चूँकि आप तो किसी पार्टी से आपका कोई लेना देना नहीं है, एक इंसानियत के तौर पे जो घटना अभी जो है लखीमपुर खीरी में हुई है,
उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत छोटी सी बात उस पर कहना कि सरासर घटना ये जो है उनके साथ किसानों के साथ अच्छा नहीं हुआ है। और सरकार को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर कोई दूसरा अगर पार्टी में कोई इस टाइप का व्यक्ति है जो इस टाइप की घटना करता है या कराता है तो उसको तत्काल प्रभाव से निष्कासित करना चाहिए, उससे पार्टी की छवि भी खराब होती है। इंडिपेंडेंस पॉलिटिशियन होने के नाते आज योगी सरकार के 4.5 साल को आप कहां तक उनको पाते हैं उसके बारे में प्रकाश जाने। योगी सरकार का कार्यकाल जो है हमारे हिसाब से ये मेरी निजी जो है मैं रक्तक तक न देना पसंद करती हूँ। योगी सरकार का जो ये 4 साल का कार्यकाल मेरे हिसाब से बनास की दृष्टि से बहुत अच्छा हुआ। योगी सरकार में एक चीज़ हमको बहुत